बलिया के स्टेशन रोड स्थित होटल में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने होटल से 5 युवक और 5 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि शहर के होटलों में कॉल गर्ल की सप्लाई का धंधा किया जा रहा है, जिसके आधार पर शुक्रवार को पुलिस की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को आपत्तिजनक हालत में 5 युवक और 5 युवतियां मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने होटल को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। जब भी जानकारी में आई, हम लोगों ने तत्परता से इसकी कार्रवाई की। लापरवाही तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को संज्ञान में तत्परता के साथ इसे रेड किया और इस होटल को आप सीज करने जा रहे हैं। ये है कि आप इसके आधार पर सभी होटलों की जांच और सभी कागजातों को देखा जाएगा। अगर इस तरह की कुछ पाई गई तो सभी संबंधित होटलों को सर सर आया दिन 1967 के जो रूल्स हैं जाँच चलाने के होटल तो उसमें कितने होटल अपने यहाँ हाथ से एक होटल जहाँ पंजीकृत है, 6 होटल अब हमने कुछ होटल उसमें से प्रक्रिया में है प्रोसेस में है आज के लिए और कुछ उसकी प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। आगे सर सर जो पकड़े गए सब 18 ऊपर है, अब ये उम्र चेक करना पड़ेगा सर। जो होटलों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इस होटल पर क्या कार्रवाई की जा रही है? ये होटल सीज होगी, होटल मालिक के खिलाफ देह व्यापार एक्ट में मुकदमे दर्ज होंगे। सराय एक्ट के तहत ये पूरी सीज होगी, पेनाल्टी जितनी बन सकती है। ये होटल सीज हो रही है सर, ये माना जाए कि यहाँ की जो चौकी है सर, किस स्थिति में बच्चे पकड़े गए मानी जाएगी? अब ये ये सर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी जानकारी हुई सभी लोगों ने तत्परता के साथ आके यहाँ पे बंद किया। तो जानकारी के बाद सर इससे पहले भी 2 बार कार्रवाई हुई और दोनों बार 100 में चालान किया, तो इस बार पूरे में कार्रवाई हुई इसके बारे में हम तो सर इस बार किस तरह की कार्रवाई हुई? बिल्कुल इस बार होटल सीज होगा, देह व्यापार अधिनियम।